सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बैरल बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमने पहली पार्टी जो विकास की बर्थडे पार्टी थी कुछ जब ये इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था बैरल का, तब हमने यहाँ किया था, तब से हमें एक खास लगाव इस जगह से, और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी दिल के करीब है, तो यहाँ बार बार आना चाहते हैं हम, और बैरल कुछ अपना घर जैसा हो गया है। और ये भी कहना चाहूँगा कि विकास का जो पार्टी था उसके बारे में, विकास एज एन इंडिविजुअल क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस के बाद काफ़ी ज़्यादा फेम मिला है, फिर भी वो काफ़ी हम्बल हैं, तो एज एन इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल कैसे हैं वो? विकास के बारे में अगर मैं भी कहना चाहूँगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मैं विकास को कुछ पिछले 9 सालों से जानता हूँ, आई थिंक बॉम्बे में सबसे पहले मैं विकास को जानता हूँ जब मैं आया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट उनके साथ था, और तब से हमारी दोस्ती है। सो एज अ पर्सन आपने जो देखा है बिग बॉस में, वो तो आपने एक चेहरा देखा, उसके पीछे भी बहुत मैं जानता हूँ, वो कैसा भाई है, वो कैसा बेटा है, वो कैसा दोस्त है, तो उसके बारे में कभी फुर्सत में कहूँगा मैं इसके बारे में। आवाज़ नहीं आ रही। फिलहाल अब आई वुड लव टू वर्क विद विकास अगेन एंड अगेन, बिकॉज उनके साथ काम करके लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो, उनके साथ काम बहुत फन हो जाता है, और एज एन एक्टर भी अपनी जो अपने इंसाइट्स होते हैं, जो अपनी एक नुएंसेस होते हैं जो आप कैरेक्टर बनाना चाहते हो, वो बहुत कंफर्टेबली ला सकते हो, बिकॉज ही इज़ ओपन टू सजेशन एंड ऑल दैट, तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने के लिए। मैं आई होपफुली आई वी वर्क अगेन रियली सून। एक हफ्ते पहले एक लड़की आती है इंटरनेट में, छा जाती है प्रिया प्रकाश, तो फिर एक हफ्ते में इतना पॉपुलरिटी पा गई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा होप और भरोसा हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बन गए थे, दूसरी बार जब ये प्रिया पी वैरियर एक हफ्ते में 3.8 मिलियन फॉलोअर्स आई गैस राइट, सो मुझे ये एक तो उम्मीद बन गई है कि कुछ भी हो सकता है, आप अपना हिम्मत बांधे रखो, अपना काम करो, कभी आपकी आँख भी चल सकती है और कभी आपकी बात भी चल सकती है, सो कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, बी होपफुल इन लाइफ, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी अगर आप चाहेंगे कि मैं क्रिटिक बन जाऊँ तो मैं कहाँ कहना चाहूँगा, लड़के ने भी बड़ा अच्छा काम किया था, आई थिंक लड़के का रिएक्शन बहुत अच्छा था, लड़के का रिएक्शन अच्छा नहीं होता तो वो वीडियो में दम नहीं होता, बट ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि हम सभी मेहनत करते हैं और हम सब में ही टैलेंट है, कभी किसी का कुछ चल जाता है, कभी किसी का कुछ नहीं वर्क करता है, एंड वी शुड एक्चुअली इनकरेज एंड मोटिवेट, बिकॉज अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और एक अलग सी पावर है जो दिखने को मिलती है जब ऐसा कुछ होता है, तो आई थिंक ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि व्हेन विल आई सी माई सेल्फ इन अ न्यू प्रोजेक्ट, सो बातचीत चल रही है काफ़ी सारी, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, और कॉन्क्रीट होगा भी तो मैं आपको पहले आके नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब तक वो ऑनर नहीं आ जाता उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सो फिलहाल राइट नाउ ऑल आई कैन से इज़ आई एम रेडी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, आई एम रियली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, थोड़ी इंजरी हो गई, थोड़ा सा घर पर थोड़ा सा आराम भी मिल रहा है, तो आराम ख़त्म हो जाए उसके बाद काम शुरू होगा। थैंक यू। मेरे अंगूठे में अभी चोट लगी तो मैं ये अपना ट्रेडमार्क लेके चलूंगा, लेकिन ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, थम्स अप। आई थिंक बैरल ने अभी पूरा अट्रैक्शन लिया हुआ है, पूरा अटेंशन लिया हुआ है सबका, क्योंकि जो नाइट्स बैरल में हो रही है अभी, हर टाइप की नाइट हो रही है, सूफी नाइट हो रही है, मॉडल्स नाइट हो रही है, एंड ज़बरदस्त नाइट्स हो रही है, लॉन्चेस हो रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स के, और खुद बैरल के ही जो नाइट्स हैं स्पेशली वो भी इतने धमाकेदार हो रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स डूइंग वेरी वेल, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द एंटायर टीम ऑफ बैरल, अनिल भाई, तौहीद, बैरल, एवरीबॉडी इज डूइंग सो गुड, आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक सी स्पेशली एट अ स्पॉट ऑफ अंधेरी, अंधेरी पे कोई क्लब इतना अच्छा कर रहा है, आई थिंक आई वुड जस्ट वांट टू से कि बैरल में राइट नाउ दे हैव टेकन द मार्केट, दे हैव टेकन द एंटायर अटेंशन ऑफ अंधेरी, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच दे आर डूइंग, बिकॉज अंधेरी का जो क्राउड है, इट्स इज द मेजर क्राउड आई थिंक, एंड दे आर एबल टू टर्न द क्राउड, दे आर एबल टू पुल अप द क्राउड, आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग। ओके सो एज यू नो मेरे दो नाइट्स अभी हुए, लास्ट थर्सडे मेरा नाइट था यहाँ पे, सो प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से अभी माई साउथ अमेरिका टूर इज स्टार्टिंग विच इज़ ऑन 22nd February, सो इट्स माई फर्स्ट साउथ अमेरिका टूर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज इट्स गोना बी अ 12 डेज टूर,
and I think there are a lot of songs coming. They are going to be releasing in next month. I think there are around 10 tracks which are releasing in the next month, so which is a very big thing happening for me in my life. So I'm just waiting for that. Thank you. रेडियो बॉलीवुड मुंबई बॉलीवुड अड्डा मुझे बैरल का सबसे अच्छी चीज़ ये पता है कि यहाँ का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है. जो ओनर्स हैं, जो पीआर टीम है, वो बहुत अच्छे लोगों को जानते हैं. सो दे ऑलवेज पुल इन अ गुड क्राउड. वेदर इट्स अ मंडे, वेदर इट्स अ संडे, ट्यूजडे, जिन दिनों में लोग पार्टी भी नहीं करते हैं उस दिन भी आके यहाँ मज़ा आता है. इमेजिन टुडे इज़ अ मंडे एंड आई एम हियर विद अ फ्रेंड फॉर अ ड्रिंक. सो मेरे को भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोग जमा होते हैं, जमावड़ा होता है. लोगों को लगता था कि अंधेरी में पार्टी नहीं होती, पर बैरल ने साबित कर दिया कि अंधेरी में भी बहुत कड़क सीन होता है. सर ये सवाल मुझे नहीं ठीक लगा. जब ह्यूमर की बात है तो मुझे नहीं लगता कोई लिमिटेशन होनी चाहिए. लिमिटेशन आपके दिमाग में होती है. मेरे दिमाग में एक सेंसर है, कई चीज़ें मुझे पसंद है, कई नहीं पसंद है. अगर मुझे नहीं पसंद है मैं चैनल चेंज कर लूँगा, या मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, या मैं अगली वीडियो पर चला जाऊँगा. ऐसा ही होना चाहिए. वेदर इट्स डार्क, वेदर इट्स सार्कास्टिक, वेदर इट्स सटायरिकल, वेदर इट्स स्लैपस्टिक, वेदर इट्स डर्टी, वेदर इट्स क्लीन, जिस भी तरीके का ह्यूमर हो, आई थिंक हमें ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए. जो पसंद है आप कंज्यूम कीजिए, जो नहीं पसंद है प्लीज़ मत कंज्यूम कीजिए. बट ऐसा पेटिशन मत फाइल कीजिए कि इस बंदे को बोलने नहीं देना या इस बंदी को बोलने नहीं देना. सो आई रियली फील कि सेंसर जब तक हमारे दिमाग में होगा ना, हम भी प्रोग्रेस करेंगे और डिजिटल भी प्रोग्रेस करेगा. और डिजिटल के आने से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास चॉइस है. हम एक विजन से वीडियो बनाते हैं और एक विजन से हम स्विच भी कर सकते हैं. सो जितना बेटर हो उतना अच्छा है. लेकिन ओवरनाइट जो स्टार्टअप होता है किसी भी इंसान के लिए, वो कितना ज़्यादा लॉजिकल होता है या कितना ज़्यादा वो मतलब प्रोग्रेसिव होता है आगे फ्यूचर के लिए? सो ओवरनाइट स्टार्टअप की बात पे द ओनली गाय आई कैन कोट इज मेसी. ही टुक 17 ईयर्स टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस. तो हमें लगता है कि वो ओवरनाइट है, पर वो सारा ज्ञान गणित हम लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं और फाइनली जब मौका आता है तो उस पर चौका बच जाता है. और वो आप लोगों को लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है, वो नहीं है. वो काफ़ी सालों की मेहनत है, वो स्किल्स होन किए हैं, बैठकर वो तराशा जी है उसको, कितने सालों की कितनी गालियाँ खाई हैं कि तुम फनी नहीं हो, तुम फनी नहीं हो, या तुम अच्छे नहीं हो एक्टर, तुम अच्छे नहीं हो. फाइनली किसी ने आपको सराहा है और अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है. दैट इज़ वॉट आई लव अबाउट नॉट बींग एन ओवरनाइट सक्सेस. चाहे कोई भी ओवरनाइट सक्सेस हो, वो है नहीं. वो बहुत सालों की मेहनत से आगे बढ़े हैं, बस मौका ओवरनाइट मिला है और सबने उसको खींच लिया. सो द लेटेस्ट वेंचर दैट आई एम वर्किंग ऑन इज कॉल्ड खतरनाक. सो बींग इंडियन पहले था, पर अभी मेरा यूट्यूब चैनल है खतरनाक. उसके ऊपर हम बहुत सारे वीडियोज़ करेंगे. आई वॉज बिजी इन प्रो रेसिंग लीग DID, हम उसको होस्ट कर रहे थे. फिर उसके बाद दो तीन और प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो टेलीविजन पे और डिजिटल पे उनको होस्ट करना है. पर उसी के साथ साथ नाउ माई फोकस वुड बी यूट्यूब फॉर श्योर. सॉरी हम इतने दिनों से वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं, पर अभी जल्द ही आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके जाएंगे. और नेक्स्ट वीडियो वुड बी अ वॉक्स पॉप इन बैंगलोर. मैं किसी काम से जा रहा हूँ और पुराना एक बींग इंडियन का आदमी है जो कि वहाँ पे काम करता है, वो देखा होगा आपने, ऐसा दाढ़ी वाला हैंडल बार का आदमी था बींग इंडियन ऑडिशंस में. तो उसके साथ फिर से कोलैबोरेट करूँगा और एक कड़ाक वीडियो निकाल के लाऊंगा. एंड आई एम होपिंग कि आप सब एंटरटेन. साहिल बात करें प्रिया प्रकाश की, जो कुछ दिन पहले आई और काफ़ी फेमस हो चुकी थी, उसके बारे में क्या रिएक्शन है? यार मुझे ऐसा लगता है आँखें तो रोज़ मारते हैं, आईब्रोज तो रोज़ हिलाते हैं. माधुरी दीक्षित से ज़्यादा अच्छा ये एक्सप्रेशन कोई नहीं दे सकती थी. पर अभी वैलेंटाइंस डे था, वो एक माहौल ऐसा बन गया, और ऊपर से प्यार एक धोखा है हैशटैग चल गया, और वैलेंटाइंस पे सारे सिंगल लड़कों की फ्रस्ट्रेशन निकल गई वो आंख मार के देखने के बाद. सो आई गेस वो काफ़ी लोगों का नेशनल क्रश बन गई है. बट आई रियली होप कि वो अच्छी एक्टिंग करे और प्रूव कर दे कि शी इज़ जस्ट नॉट अ वायरल वीडियो मटीरियल और अ मीम मटीरियल और एन ओवरनाइट सक्सेस वायरल मीडियम के ऊपर बैठने वाला टैलेंट. आई एम गेसिंग कि शी वुड बी मच बेटर देन एनीथिंग एल्स. सर देखो ये गलत हो गया है. देखो लड़कों का प्रॉब्लम यही है कि वो लड़के हैं. अब क्लब के अंदर आए हम, बैरल के अंदर स्टैग एंट्री कितनों को मिलती है? सो इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो लड़की को एक प्रिविलेज मिलता है, वो प्रिविलेज सही मायने में यूटिलाइज हुआ है और उस प्रिविलेज को अच्छे से जूस आउट करके निकाला है. और वो जो आँख मारी है और उसके बाद जो बुलेट से पप्पी दी है, कोई भी घायल होना चाहेगा यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
Absolutely. I think Barrel is my favorite in the suburbs. Whenever I am chilling out, रात के 3 बजे भी बहुत ही मस्त खाना बना के देते हैं लोग हम लोग को. एंड आई थिंक द म्यूजिक इज सुपर्ब. आई लव बॉलीवुड एंड देयर सो मच ऑफ हिंदी म्यूजिक यू गेट एट बैरल. इट इज ऑलवेज नाइस टू कम एंड चिल हियर. एग्जैक्टली लाइक आई फील द सेम बिकॉज आई थिंक या सो डॉग्स एग्री विद मी. हमारे रतन साहब को टाइम तो मिलता नहीं आजकल आने का. मुझे मैं शूट पे इतना बिजी रहता हूँ तो मैंने पार्टी करना छोड़ दिया. इनकी शादी हो गई है शूट पे, आपको पता चलेगा. मतलब आज बड़े बड़े यंग एज में इनकी शादी हो गई है. तभी तभी और वो भी ऐसे सीरियल में ही होता है कि इतनी अच्छी लड़की इनको मिली है. तेजस्विनी मतलब आई थिंक शी इज सो प्रीटी सो ब्यूटीफुल एंड ही इज जस्ट वेरी लकी कि इनकी शादी हुई. चाहे टीवी में ही क्यों ना हुई हो. और मैं तो आज पार्टी करता हूँ, ये मुझे फोर्स करते तो मुझे इनसे फोर्स तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो ऐसे लगता है तो लात मारो निकाल दो ऐसे. बट आई थिंक इट्स रियली रियली कूल टू कम एंड चिल आउट समटाइम्स व्हेनेवर यू कैन. और अभी बर्थडे का बहाना था तो और हम सबको आना था. सो इट्स रियली नाइस बिकॉज इट्स अनिल्स बर्थडे एंड अनिल इज द गाय हु रन्स द प्लेस एंड ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी हॉस्पिटेबल टू अस. सो इट्स ऑलवेज नाइस टू कम एंड सेलिब्रेट दैट. वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. मुझे लगता है मोर देन द वे वो जो दिखती हैं, आई थिंक उनका जो एटीट्यूड है दैट इज वॉट इज काइंड ऑफ गॉटन एवरी वन टू से कि क्या बहुत अच्छा. मतलब ऋषि अंकल भी बोल रहे हैं कि काश उस समय आई होती जब मैं यंग था. तो मुझे लगता है इट्स मोर लॉट टू डू विद हर एटीट्यूड एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. सो इट्स नाइस. पर मुझे लगता है बहुत सारी और भी बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं. देखो यार, लड़कों की तो वैल्यू ही नहीं है ना इंडिया में. वो क्या कर सकते हैं? लड़के कुछ भी कर लेंगे तब भी वैल्यू नहीं होती. उनको जॉन अब्राहम बनना पड़ता है, फुल निकलना पड़ता है पानी से समुंदर से, तब जाके कोई फोकस मारता है. पर गर्ल्स यार, गर्ल्स का बात ही बता. आई थिंक इट्स लॉट मोर टू डू विद, अगर आप सच्ची समझेंगे, इट्स गॉट सो मच मोर टू डू विद इंडिपेंडेंस ऑफ अ गर्ल बिकॉज यू हैव नॉट सीन एक लड़की को इस तरीके से इत अच्छे एटीट्यूड के साथ बींग सो कॉन्फिडेंट. आई थिंक इट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रिया दैट हैज एक्साइटेड द इंटायर नेशन. इट इज़ नॉट अ फेस, इट इज़ नॉट हर विंकिंग. इट इज़ बिकॉज फॉर एन इंडियन गर्ल टू बी नोइंग वॉट शी वॉन्ट्स एंड विंकिंग एंड जस्ट द राइट एटीट्यूड ऑफ बींग कॉन्फिडेंट, आई थिंक वो है जो कि इतना अट्रैक्ट करता है प्रिया की तरफ मोर देन एनीथिंग एल्स. अरे यार, प्रिया को इस समय पूरा बॉलीवुड पीछे पड़ा है, वो मेरे पास नहीं आ रही है. चिंता मत करो, वेब सीरीज के अलावा भी चीज़ें बनाता हूँ मैं, तो पहले आ जाएंगी तो पता चलेगा. पर आई थिंक प्रिया इज इज अ फैंटास्टिक एंड वेरी कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट. सो आई एम श्योर वी विल ऑल गेट टू सी अ लॉट मोर ऑफ प्रिया. थैंक यू गाइस. बैरल पे तो कोई भी शाम हो तो वो अच्छा ही होता है. आई मीन इट्स ऑलवेज फन टू बी हियर एंड इट्स विकास इज पार्टी, यू हैव टू बी देयर. शूटिंग कंप्लीट हो गई? हाँ जी, शूटिंग कंप्लीट हो गई है, सारे स्केड्यूल्स हो गए हैं. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस रणबीर कपूर की सिस्टर? टू प्ले विथ रणबीर कपूर एनी कैरेक्टर वुड हैव बीन रियली नाइस बिकॉज ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. आई मीन उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया है क्योंकि वो बहुत बढ़िया एक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से अपना रोल निभाते हैं और उनकी वजह से आपका परफॉर्मेंस और दुगना हो जाता है. ये बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि ये मेरा बॉलीवुड डेब्यू है. ऑफकोर्स मैं साउथ में पहले काम कर चुकी हूँ बट फिर भी यू नो वो एक नर्वस फीलिंग होती है जब भी आप एक नए रीजनल या कोई भी फिल्म में जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. आज की शाम तो बहुत इंजॉय होने वाली है. वी आर एट बैरल, इट्स विकास इज पार्टी, इट्स सपोज टू बी फन. साउथ इंडियन में फिलहाल आई एम गोइंग थ्रू सम रियली गुड स्क्रिप्ट्स, आई एम लुकिंग आउट फॉर अ रियली गुड रोल ओवर देयर. सो या वहाँ पे आई एम लाइक द आमिर खान ऑफ साउथ. फेवरेट
माई फेवरेट हीरो इज इन तेलुगु इज महेश बाबू. आई रियली लाइक हिम. एंड ऑफ लेट इज प्रभास. ही इज डूइंग सो वेल. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. एंड इन तमिल आई रियली लाइक विक्रम. ही इज वेरी नाइस. एंड द गॉड फादर रजनीकांत. प्रिया दत्त अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. उनके जैसा बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भी अगर मैंने प्ले कर लिया है तो आई विल बी हैप्पी. लास्ट वीक एक लड़की आती है अचानक से, काफ़ी फेमस हो जाती है, प्रिया प्रकाश. ओ या फेमस हो गई, उनके बारे में आई थिंक वो जो फेमस हुई हैं वो उनकी इनोसेंस से हुई हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, विच यू रेयरली गेट टू सी. यू नो यू सी गर्ल्स लुकिंग ऑल हॉट एंड एवरीथिंग, बट उनकी जो इनोसेंस है और जो नाइवनेस है उस वीडियो में, दैट इज़ सो ब्यूटिफुली डन. आई मीन आई लव दैट. लड़के ने भी तो सेम किया था, तो उसको उतना इग्नोर क्यों किया गया? अभी लड़कियाँ आगे निकल गई हैं लाइफ में, एक्सेप्ट कर लो सब. थैंक यू गाइस. I mean, this place is doing really well, yaar. If you guys stay in Bombay or if you're traveling to Bombay, please check this place out. Amazing place. मेरा भाई है, मैं बहुत खुश हूँ यार उसके लिए सक्सेस पार्टी रखी है. आई एम वेरी हैप्पी एंड वी हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद बैरल सिंस वी पर्सनली ऑल्सो नो द ओनर एंड इट्स हिज बर्थडे टुडे, सो इट्स अ ग्रेट इवेंट. वेल आई एम डूइंग अ फिल्म राइट नाउ, यू विल गेट टू नो वेरी सून. थैंक. अरे प्रिया प्रकाश यार वो सीन बहुत सॉलिड था वैसे. देयर इज अ रीज़न यार, अमेजिंग सीन. जब मैंने देखा इट्स बीन एग्जीक्यूटेड रियली वेल एंड ऑब्वियसली देयर इज अ टैलेंट, दैट्स व्हाई शी इज गॉट सो फेमस. वी कांट डू मच अबाउट इट. थैंक यू सो मच.